जी पे गूगल पे में कभी कभी पेमेंट करने के बाद पैसा कट जाता है, लेकिन जिससे आप पैसा भेज रहे हैं उसे पैसा नहीं जाता है। तो ऐसे में आपका पैसा वापस मंगाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये मेरा गूगल पे अकाउंट है, ये आप देख रहे होंगे सामने। ये 1,000 रुपये मैंने विश्वनाथ प्रजापति को 6 सितंबर 2020 को भेजा था 7:56 पे, लेकिन ये पैसा अभी तक प्रोसेसिंग में है, अभी तक गया नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके बाद पेमेंट कंप्लीट हुआ ही नहीं। ये 1,000 रुपये मेरे बैंक से कट गया, लेकिन सामने 1,000 रुपये अभी तक मिला नहीं। 6 सितंबर को ये मैंने पेमेंट किया हुआ है, आज 12 सितंबर हो गया, तो अब इसे मुझे कैंसिल करना है और मेरा जो 1,000 रुपये कटा हुआ है उसे भी वापस मंगाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आप यहाँ पर UPI ट्रांजेक्शन ID देख रहे हैं, आप इसको कहीं पर लिख लीजिए और आपका पेमेंट जिस बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट कटा हुआ है आप उस बैंक अकाउंट को ओपन कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जो आपका पैसा कटा हुआ है उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मतलब आपका जिस बैंक से पैसा कटा हुआ है उस बैंक का आप उस दिन का, जैसे ये 6 सितंबर को मैंने भेजा हुआ है तो 6 सितंबर को मेरे बैंक से 1,000 रुपये कटा हुआ है, तो आप 6 सितंबर का बैंक स्टेटमेंट का PDF डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका पैसा कटा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ रेस्ट डिस्प्यूट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। प्रोवाइड योर डिटेल्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम रहेगा, यहाँ पर आप वो मोबाइल नंबर इंटर कीजिए जिस मोबाइल नंबर से आपका यह गूगल पे अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी इंटर करना है जो ईमेल आईडी आपके इस गूगल पे अकाउंट पर है। अब आपको यहाँ सेलेक्ट वन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, फेल्ड, पेंडिंग, सेटल, यहाँ पर आपको पेंडिंग चूज करना है। अब यहाँ पर गूगल ट्रांजेक्शन आईडी, अभी जो मैंने आपको कहा था कि ये UPI ट्रांजेक्शन आईडी आप लिख कर रख लीजिए, वो UPI ट्रांजेक्शन आईडी आप यहाँ पर इंटर कीजिए। यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालना है जितना पैसा आपका बैंक अकाउंट से कट चुका है और सामने वाले को गया नहीं है। यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप रिसीवर हैं या फिर सेंडर हैं, तो फिलहाल मैं पैसा भेज रहा था तो यहाँ सेंडर लिख दीजिए। अगर आपको किसी ने आपको पैसा भेजा है लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको यहाँ रिसीवर पर क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से दूसरे को भेज रहा हूँ तो यहाँ पर आई एम ए सेंडर आपको चूज करना है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको यहाँ पर वो डेट डालना है जिस डेट को आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके वो जो स्क्रीनशॉट आप लिए हैं अपना जो बैंक अकाउंट से पैसा कटा हुआ है वो, या फिर उसका PDF डाउनलोड किए हुए हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप PDF डाउनलोड किए हैं तो PDF लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ICICI बैंक या कई बैंक हैं जिनका स्टेटमेंट, जिनके PDF स्टेटमेंट में लॉक लगा होता है, सिक्योरिटी होती है, तो उसे आप जो है पहले अनलॉक करके फ्री कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लॉक रहेगा तो गूगल उसे खोल नहीं पाएगा। अब आप यहाँ पर वो फाइल चुन लीजिए। अब आपको यहाँ डन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट PDF फाइल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। योर ईमेल हैज बिन सेंड टू आवर टीम, अब आपका जो ईमेल है वो सेंड हो चुका है। आप यहाँ नोटिफिकेशन में देखेंगे तो गूगल पे इंडिया सपोर्ट करके एक ईमेल आया हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ। वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट वी आर रिसीव योर रिक्वेस्ट एंड ए टिकट वॉज ग्रीटेड, आवर सपोर्ट स्पेशलिस्ट विल रिव्यू योर रिक्वेस्ट एंड विल सेंड ए रिस्पॉन्स विद इन नेक्स्ट 7 बिजनेस डे। गूगल ने आपके रिक्वेस्ट को रिसीव कर लिया है, 7 दिनों के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और आपको गूगल की तरफ से एक ईमेल भी मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको गूगल पे में पेमेंट करते समय ऐसा कभी अगर हुआ
आपका पैसा कट गया लेकिन पैसा वहाँ पे नहीं मिला, तो आप इस तरह से रेस डिस्प्यूट कर सकते हैं जिससे कि आपका वापस पैसा रिफंड मिल जाए। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।